अपने गंतव्य की ओर जा चुके हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये है प्रयागराज में चल रहे माघ मेला 2023 के तीसरे स्नान की। तो तस्वीरें कुछ ऐसी हैं और स्नान घाट का नजारा दिखाएं तो इधर आप देख पाएंगे, आप देख सकते हैं लोगों की कितनी चहलकदमी, कितनी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। निरंतर लोग आस्था की डूब यहाँ पर लगातार चल रहे हैं। प्रयागराज से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरें कुछ ऐसी हैं। और बता दें कि सुबह 4 बजे से ही यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ जमा होनी शुरू हो गई थी। निरंतर लोग बाग यहाँ पर आते जा रहे हैं, श्रद्धालु यहाँ पर आते जा रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। वहीं पर यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के साधु संत महात्मा अघोरी यहाँ पर जो है पधारे और काफी शांतिपूर्ण ढंग से और सौहार्द तरीके से सम्पन्न कराया गया माघ मेला 2023 का तीसरा स्नान, जो कि आप हमारे साथ तस्वीरों में सीधे तौर पर देख पा रहे होंगे। और बता दें कि अभी समय 1:30 बज रहा है, दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, लेकिन फिर भी श्रद्धालुओं की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है, ये आप देख सकते हैं। और एक बार यहां से तस्वीरें हम आपको दिखा दें, ये आप देख सकते हैं। जैसे कि बताया कि इन दिनों प्रयागराज में माघ मेला 2023 संचालित हो रहा है, तो आज माघ मेला 2023 का तीसरा स्नान है यानी कि मौनी अमावस्या। तो मौनी अमावस्या के दौरान कुछ इस तरह की तस्वीरें हमारे सामने आ रही है, आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। बता दें कि काफी लोगों का हुजूम, काफी लोगों का आलम यहां पर देखा जा रहा है। बता दें कि सुबह 4 बजे से ही यहां पर श्रद्धालुओं की भक्तों की भीड़ जमा होनी शुरू हो गई थी। निरंतर भीड़ यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे, आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे काफी लोगों की भीड़ यहाँ पर देखी जा रही है। जितने श्रद्धालु आपको यहाँ नजर आ रहे हैं इससे कहीं ज्यादा श्रद्धालु यहाँ से स्नान करके अपने अपने गंतव्य की ओर जा चुके हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये है प्रयागराज में चल रहे माघ मेला 2023 के तीसरे स्नान की। तो तस्वीरें कुछ ऐसी हैं और स्नान घाट का नजारा दिखाएं तो इधर आप देख पाएंगे, आप देख सकते हैं लोगों की कितनी चहलकदमी, कितनी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। निरंतर लोग आस्था की डूब यहाँ पर। और बता दें कि अभी समय 1:30 बज रहा है और 1:30 बजे के बाद भी लोगों का जो आलम है कुछ इस तरह से लोग बाग आते जा रहे हैं स्नान करने के लिए। तो ये तस्वीरें हम आपको प्रयागराज के त्रिवेणी संगम से दिखा रहे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि अभी भी निरंतर लोगों की आवाजाही, लोगों की चहलकदमी यहाँ पर बनी हुई है। निरंतर लोग बाग आकर यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं, आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। बता दें कि काफी बेहतर माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये तस्वीरें हम आपको प्रयागराज के त्रिवेणी पुल से दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों की जो भीड़ है, लोगों का जो रेला है, वो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। बता दें कि काफी भीड़ यहाँ पर देखी जा रही है श्रद्धालुओं की, भक्तों की। समय 1:30 बज रहा है, 1:30 बजे के दौरान भी माहौल में कोई परिवर्तन आया नहीं है। वहाँ पर श्रद्धालुओं की, भक्तों की भीड़ यहाँ पर निरंतर देखी जा रही है, निरंतर श्रद्धालु यहाँ पर आते जा रहे हैं। बता दें कि आज मौनी अमावस्या यानी कि माघ मेले का सबसे बड़ा स्नान पर्व है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें कुछ ऐसी हैं और आज तीसरा स्नान है। बता दें कि प्रयागराज में चल रहे माघ मेला 2023 का, तो ये आप हमारे साथ देख पा रहे होंगे। निरंतर भक्तों की भीड़, श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं लोगों का काफी बड़ा हुजूम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में। बता दें कि काफी चकाचौंध है श्रद्धालुओं से इस समय आस्था और धर्म की नगरी प्रयागराज। तो प्रयागराज से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरें कुछ ऐसी हैं। और बता दें कि सुबह 4 बजे से ही यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ जमा होनी शुरू हो गई थी। निरंतर लोग बाग यहाँ पर आते जा रहे हैं, श्रद्धालु यहाँ पर आते जा रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। वहीं पर यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के साधु संत महात्मा अघोरी यहाँ पर जो है पधारे और तस्वीरें कुछ ऐसी हैं, आप देख पा रहे होंगे भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। वहीं पर निरंतर श्रद्धालुओं की, भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। और यह है स्नान घाट का नजारा, यहाँ तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर निरंतर लोगों की चहलकदमी यहाँ पर बनी हुई है और निरंतर लोग बाग यहाँ पर आकर आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं, आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। यह है आस्था और धर्म की नगरी प्रयागराज। प्रयागराज में इन दिनों माघ मेला 2023 चल रहा है, तो माघ मेला 2023 के दौरान की जो तस्वीरें हैं वो इस तरह की हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। वहीं पर अगर शासन प्रशासन की बात की जाए तो चप्पे चप्पे पर मौजूद है पुलिस फोर्स के जवान, वहीं पर ATS के जवान, RAF के जवान यहाँ पर मौजूद है और काफी मुस्तैदी से अपनी सेवा निरंतर दे रहे हैं। वहीं पर लोगों का जो आलम है, श्रद्धालुओं का जो आलम है, वह तस्वीरों में आपको सीधे तौर पर देखने को मिल रहा होगा। निरंतर भक्तों की भीड़ यहाँ पर देखी जा रही है। बता दें समय 1:30 बज रहा है, 1:30 बजे के दौरान भी
भीड़ थमने का नाम नहीं ले रही। दूर दराज से चलकर आस्थावान लोग अपनी श्रद्धा और भक्ति के अधीन होकर यहाँ पर खींचे चले आ रहे हैं। तो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे काफी बेहतर माहौल देखा जा रहा है इन दिनों प्रयागराज में चले माघ मेला 2023 के दौरान। एक बार यहाँ तस्वीरें हम आपको दिखा दी, आप देख सकते हैं। बता दें कि ये प्रयागराज में चले माघ मेला 2023 की तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप हमारे साथ देख पा रहे होंगे। बता दें कि यहाँ पर निरंतर श्रद्धालुओं की भक्तों की भीड़ यहाँ पर बनी हुई है, आलम बना हुआ है। आप देख सकते हैं जितने ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं इससे कहीं ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और अपने अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान किया। तो ये आप देख पा रहे होंगे। और बता दें कि काफी शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर संपन्न होता दिखाई दे रहा माघ मेला 2023 का तीसरा स्नान। और बता दें कि यह जो स्नान है मौनी अमावस्या का है और प्रत्येक वर्ष लगने वाले माघ मेले का जो प्रमुख स्नान होता है वो होता है मौनी अमावस्या। तो मौनी अमावस्या के दौरान की जो तस्वीरें हैं कुछ ऐसी हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। निरंतर आवाजाही बनी हुई है, श्रद्धालुओं की भक्तों की भीड़ यहाँ पर देखी जा रही है। ये आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे वहीं पर निरंतर पुलिस दल यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये पुलिस के जवानों को आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये लोग बाहर चले जा गाइड करते नजर आ रहे हैं, लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं ये आप देख सकते हैं। और बड़ी अहम भूमिका रही लोगों की, अलग अलग जिलों से चलकर यहाँ पर जो पुलिस फोर्स के जवान यहाँ पर मौजूद हैं, जो यहाँ पर अपनी तैनाती दे रहे हैं, उनके जो निष्ठा पूर्वक जो उनकी ड्यूटी है वो देख कर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आने जाने वाले श्रद्धालुओं को कुछ ऐसे ढील करते नजर आ रहे हैं यहाँ पर पुलिसकर्मी, ये आप देख सकते हैं। और बता दें कि ये तस्वीरें हम आपको प्रयागराज में चल रहे माघ मेला 2023 की दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं समय 1:30 बज रहा है और सुबह 4 बजे से ही यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। और बता दें कि निरंतर दिन भर इसी तरह लोगों का रेला, श्रद्धालुओं का रेला देखने को मिलेगा। ये आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे काफी शांतिपूर्ण ढंग से और सौहार्द तरीके से संपन्न कराया गया माघ मेला 2023 का तीसरा स्नान, जो कि आप हमारे साथ तस्वीरों में सीधे तौर पर देख पा रहे होंगे। और बता दें कि अभी समय 1:30 बज रहा है, दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, लेकिन फिर भी श्रद्धालुओं की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है, ये आप देख सकते हैं। और इधर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये है वो पुलिस के जवान जो आने जाने वाले भटके श्रद्धालुओं को रास्ता बताने का, रास्ता दिखाने का काम करते हैं। वहीं पर कुछ इस तरह से लोग बाग एक दूसरे को डील करते नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको प्रयागराज में चल रहे माघ मेला 2023 की दिखा रहे हैं। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप तस्वीरों में कि लोगों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। लोग बाग यहाँ पर काफी आ जा रहे हैं, लोगों की काफी चहलकदमी यहाँ पर देखने को मिल रही है। बता दें कि निरंतर श्रद्धालुओं की भक्तों की जो भीड़ है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है, आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। बता दें कि आप दर्शक News24 पर माघ मेला 2023 की पूरी कवरेज आप देख पाएंगे, जो कि आप इस वक्त हमारे साथ तस्वीरों में देख पा रहे हैं। जैसा कि शुरुआती दिनों से ही माघ मेला 2023 की जैसे ही तैयारियां शुरू हुई थी तब से हमने आपको कवरेज दिखाना शुरू किया था। तो आज की जो तस्वीरें हैं, आज का जो माहौल है वो कुछ इस तरह से है। बता दें कि दो स्नान जहां पर कुशलतापूर्वक संपन्न हुए, वहीं पर तीसरा स्नान भी काफी शांतिपूर्ण ढंग से और सौहार्द तरीके से यहां पर संपन्न होता दिखाई दे रहा है, जो कि इस वक्त आप हमारे साथ तस्वीरों में देख पा रहे हैं। वहीं पर देख सकते हैं कि तरह तरह के लोग बाग यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। जिस तरह से अनुमान नहीं लगाया जा रहा था इस बार माघ मेला 2023 ऐसा लग रहा था कि लेट है, लेकिन वहीं पर पूरी जो सुव्यवस्थाएं हैं वो समय रहते दुरुस्त करा दी गई, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि श्रद्धालुओं को काफी आसानी से स्नान करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। सब लोग निरंतर धर्म और आस्था की नगरी प्रयागराज में इन दिनों चल रहे माघ मेला 2023 में तीसरे स्नान पर, यानी कि मौनी अमावस्या के स्नान पर आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। और बता दें कि यह वही स्थान है जहां पर कभी रेतों की चमक दिखाई दिया करती थी, लेकिन इन दिनों प्रयागराज में चल रहे माघ मेला 2023 के दौरान की जो तस्वीरें हैं वो कुछ ऐसी हैं जो आप इस वक्त हमारे साथ देख पा रहे होंगे। बता दें कि अभी 1:45 बज रहे हैं और लेकिन निरंतर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर
श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो निरंतर आती दिखाई दे रही है। वहीं पर जितने लोग जा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा लोग यहाँ पर आ रहे हैं, ये आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में। बता दें कि काफी बेहतर माहौल, काफी अच्छा माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है और काफी शांति प्रिय और सौहार्दपूर्ण तरीके से यहाँ पर माघ मेला 2023 का जो तीसरा स्नान है यानी कि मौनी अमावस्या सकुशल संपन्न होता दिखाई दे रहा है। वहीं पर जगह जगह पर इस तरह के जो समाज सेवी हैं और साथ ही जो बड़े बड़े संत महात्मा हैं उनके द्वारा आने जाने वाले श्रद्धालुओं को प्रसाद भोग वितरण किए जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं तस्वीरें हम आपको प्रयागराज में चल रहे माघ मेला 2023 की दिखा रहे हैं। और बता दें कि पॉन्टून नंबर 2 त्रिवेणी मार्ग से होते हुए इस वक्त हम काली मार्ग पर चल रहे हैं, काली मार्ग के समीप पहुंच चुके हैं और ये मुख्य द्वार है। बता दें कि त्रिवेणी संगम में जाने के लिए यहाँ से आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे कि निरंतर लोगों की जो आवाजाही है वो यहाँ पर बनी हुई है। लोग बाग निरंतर आ जा रहे हैं, श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर काफी देखी जा रही है। बता दें कि सुबह 4 बजे से ही यहाँ पर श्रद्धालुओं की भक्तों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी और निरंतर यहाँ पर अभी भी भीड़ का आलम बना हुआ है। निरंतर श्रद्धालु और भक्त यहाँ पर आते जाते दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि रात में करीब 1:30 बजे जिस तरह से मौसम ने करवट ली थी और रिमझिम बारिश के साथ ही ठंड का कहर बरपाया था तो उससे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि इस बार मौनी अमावस्या का जो स्नान होगा उसमें ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ नहीं हुई, लेकिन उसका विपरीत हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों का काफी जमावड़ा, श्रद्धालुओं की भक्तों की भीड़ यहाँ पर काफी देखी जा रही है, जो कि आप हमारे साथ इस वक्त तस्वीरों में देख पा रहे हैं। वहीं पर बता दें कि जो प्रशासनिक व्यवस्था रही वो काफी काबिले तारीफ रही। वहीं पर क्योंकि निरंतर जो आने जाने वाले श्रद्धालुओं को पुलिस प्रशासन के द्वारा डील किया जा रहा है और आने जाने वाले श्रद्धालुओं को रास्ता दिखाने का काम किया जा रहा है। यह आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम आपको दिखा दें, ये मुख्यालय अग्निशमन केंद्र है और ये है त्रिवेणी काली मार्ग। ये इधर आप काली मार्ग की तस्वीरें देख पा रहे हैं और बता दें कि काफी शांतिप्रिय ढंग से संपन्न होता दिखाई दे रहा माघ मेला 2023 का तीसरा स्नान यानी कि मौनी अमावस्या का। तस्वीरें हमारे साथ आप देख पा रहे होंगे, हम निरंतर लोगों की आवाजाही, श्रद्धालुओं की आवाजाही, भक्तों की आवाजाही यहां पर निरंतर बनी हुई है, जो कि आप हमारे साथ इस वक्त तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। बता दें कि जिस तरह से 2 स्नान सकुशल संपन्न हुए वहीं पर तीसरा स्नान भी काफी शांति प्रिय और सौहार्द तरीके से संपन्न होता दिखाई दे रहा है। और समय करीब 1:45 बज रहे हैं दोपहर के। बता दें कि 4 बजे से ही श्रद्धालुओं की भक्तों की भीड़ यहाँ पर जमा होनी शुरू हो गई थी। निरंतर यहाँ पर लोगों की चहलकदमी बनी हुई है, निरंतर लोग बाग यहाँ पर आ जा रहे हैं, उनकी आवाजाही यहाँ पर शुरू है, आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से आज हमने आपको प्रयागराज में चल रहे माघ मेला 2023 के तीसरे स्नान का नजारा दिखाया। तो आपने देखा कि यहाँ पर कितने ज्यादा ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और कैसा रहा माहौल प्रयागराज में चल रहे माघ मेला 2023 के तीसरे स्नान का। तो आशा करते हैं खबर आप लोगों को पसंद आई होगी। इस तरह की बहुत सारी खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए दर्शक न्यूज24 अपने सहयोगी अनुराग के साथ। मैं आर्गन चार, हर खबर आप तक।